हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, चुप रहकर भी आप ये बात कैसे जान सकते हो कि उस लड़की के दिल में भी आपको लेकर के कोई ना कोई ख्याल तो चल ही रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप देखकर उस लड़की के इमोशंस को कैसे समझ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप जानना चाहते हो कि वो लड़की आपको पसंद करती है या नहीं, या फिर आपको लेकर के कोई ना कोई फीलिंग रखती है या नहीं, तो आपको फ्रेंड थोड़ा सा उसे नोटिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और वो कैसे, तो देखिए, जब किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार नहीं होता है ना, तो उसके सामने में नॉर्मली रिएक्ट करती है, नॉर्मल तरीके से रहती है। मगर जब उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है ना, तो उस लड़के के सामने में आते ही उसके चाल चलन में चेंजिंग आने लग जाते हैं, बदलाव आने लग जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज बदल जाना। जी हाँ, आपको ये चीज़ अक्सर देखने को मिलेगा कि वो वैसे तो नॉर्मली चलती है, जैसे कि बाकी लोग चलते हैं ना, सेम वैसे ही। मगर जैसे ही वो आपको देख लेती है तो बहुत ज़्यादा इतरा कर चलने लग जाती है, या बहुत ज़्यादा मटक मटक कर चलने लग जाती है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मली रहती है, मगर जैसे ही आपको देखती है तो एकदम से उसके अंदर के हाव भाव एक्टिविटी पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये चीज़ सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ देख पाओगे, जान पाओगे कि हाँ, इसके अंदर में थोड़ी बहुत तो चेंजिंग हो रहे हैं। इसका मतलब लड़की मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है। अब अट्रैक्ट क्यों कर रही है, अभी इतना समझाने की जरूरत तो है ही नहीं, आप तो जानते ही हो। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे साइन के बारे में। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ फ्रेंड, कि लड़की के इग्नोर करने के तरीके से भी आप ये बात पता लगा सकते हो कि उस लड़की के मन में आपको लेकर के कोई ना कोई फीलिंग चल रही है या नहीं। भाई एक बात समझिए, जब कोई लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती है, प्यार नहीं करती है, तो उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती है, बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती है, और इग्नोर करने की बात ही नहीं आती है भाई मेरे। क्योंकि लड़की जब आपको दिखा दिखा कर इग्नोर करती है, तो मतलब कि वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रही है, वो आपको जताना चाह रही है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। और ऐसे ही कई भाइयों के मुझे कमेंट भी आते हैं कि भाई, मेरी क्रश पहले मुझे देखती थी, नोटिस भी करती थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखना शुरू किया तो उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया मुझे। तो भाई इसका मतलब क्या है, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करती है, क्या वो मुझे चाहती नहीं है? तो नहीं भाई, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है, अपने पीछे भगाना चाह रही है। और अभी मैंने आपको बताया था ना, अट्रैक्ट करने का मतलब होता है भाई मेरे, कहीं ना कहीं आप उसे अच्छे लगते हो और वो आपको चाहती है, इसलिए वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, ताकि आप इसी की वजह से उससे बात करने के लिए जाओ और आप उसे एटलीस्ट बात तो करो। तो इग्नोर करना लाइक कुछ ऐसा होगा कि वो पहले आपको 2-4 सेकंड देखती है, देखते रहती है और मनी मन मुस्कुराती है। मगर जैसे आप उसको देखते हो तो उसके हाव भाव चेंज हो जाते हैं और वो इधर से उधर देखने लग जाती है, अपने पलकों को हटा लेती है आपके आसपास से। अगर आप पब्लिक प्लेस में हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा नोटिस करेगी कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस कलर के कपड़े पहने हैं, कैसे शूज़ पहने हैं, कैसे हेयर स्टाइल है आपकी, मतलब कि कुल मिलाकर आपको नोटिस भी करेगी, ठीक है। नोटिस करने के बाद बीच बीच में इग्नोर करेगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी कंटिन्यू लगातार हो रहा है, तो भाई मेरे वो आपको पसंद करती है, चाहती है, वरना वो नॉर्मली रिएक्ट भी तो कर सकती थी ना, जैसे कि वो आपको जानती तक नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। लड़की जब किसी लड़के को पसंद करती है तो उसको डायरेक्टली नहीं बताती, और ये बात तो मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया भी है कि लड़की सामने से अप्रोच नहीं करती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स है। मगर इसके अलावा लड़कियाँ ये चीज़ ज़रूर दिखाती है कि जब तुम मेरे सामने में आते हो, जब तुम मेरे पास में आते हो, तो मेरे चेहरे पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। आप अक्सर ये चीज़ नोटिस भी करोगे, लड़के पहले परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा उदास थी, मगर जैसे ही उसने आपको देखा तो ब्लश करने लग गई, शर्माने लग गई, ठीक है। अक्सर आप ये चीज़ नोटिस करोगे। इसके अलावा आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मली थी, आराम से बैठी हुई थी, मगर आपको देखते ही उसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी होने लग गई, जैसे कि वो कभी अपने बालों को संवार रही है, कभी अपने कपड़ों को संवार रही है, कभी अपने लिप्स को देख रही है, कभी अपने गालों को छू रही है, या तो कभी अपने फ़ोन या घड़ी को बार बार देख रही है। तो लाइक कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और तो और आप एक चीज़ और देखोगे कि उस लड़की का देखने का नज़रिया ही बदल गया आपको लेकर के। जब भी वो आपको देखती है तो बहुत ही ज़्यादा नशीली आंखों से देखती है, अदाओं से देखती है, ऐसा नहीं कि एकदम गुस्से से देख रही है, ये नहीं कि ऐसे देख रही है जैसे कि कुछ कर दे आपको, नहीं भाई मेरे, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। हमेशा आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा कि वो आपको प्यार से देख रही है, स्माइल करते हुए देख रही है, उसके अंदर में बदलाव आने लग गए हैं। तो इसका मतलब है कि भाई, कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है, आकर्षित करना चाह रही है। और एक लड़की कब किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप तो जानते ही हो, जब कोई लड़की किसी लड़के को अपना दिल दे बैठती है, जब उसको लगता है
कि हाँ यार ये लड़का मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।